सलमान खान की बहन अर्पिता खान शर्मा के घर विराजे, डेढ़ दिन की गणपति का बड़े धूमधाम से विसर्जन किया गया। सबसे पर बॉलीवुड के कई कलाकार भी नजर आए, इनमें सलमान खान भी शामिल हैं। बॉलीवुड एक्ट्रेस कैटरीना कैफ अपनी खास दोस्त अर्पिता खान शर्मा के घर पर गणेश चतुर्थी के अवसर पर दर्शन करने पहुंची थी। इस मौके पर उन्होंने तस्वीरें भी खिंचवाई हैं। बॉलीवुड के महानायक अमिताभ बच्चन कोरोना से ठीक हो गए। बीते दिनों मेगा स्टार अमिताभ बच्चन कोरोना से संक्रमित हो गए थे। अमिताभ बच्चन ने खुद कोरोना नेगेटिव होने की जानकारी दी है। कॉमेडी स्टार कपिल शर्मा अब एक नए अंदाज में नजर आने वाले। कपिल शर्मा ने अपने आने वाले प्रोजेक्ट को लेकर ऐलान कर दिया है। बता दें कि कपिल शर्मा ने इंस्टाग्राम अकाउंट पर फिल्म से जुड़ा पोस्टर शेयर किया है। पंजाबी मनोरंजन जगत से एक दुखद खबर सामने आई है। पंजाबी सिंगर निर्वेश सिंह की सड़क हादसे में मौत हो गई है। ऑस्ट्रेलिया में एक रोड एक्सीडेंट में उनकी जान चली गई। अक्षय कुमार की फिल्म कठपुतली रिलीज हो चुकी है। डिज्नी प्लस हॉटस्टार पर आई इस फिल्म में अक्षय ने अर्जुन सेठी नाम के पुलिस वाले का रोल निभाया है। बॉलीवुड सुपरस्टार शाहरुख खान भी गणेश चतुर्थी के उल्लास को सेलिब्रेट कर रहे हैं। शाहरुख के छोटे बेटे अब्राम मुंबई के मशहूर लाल बागचा राजा के दर्शन के लिए पहुंचे, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल है। फेमस होस्ट और एंकर मनीष पॉल गणेश चतुर्थी के दौरान अपनी बेटी के साथ नजर आए, दोनों का वीडियो वायरल है। वीडियो को देखकर कई फैंस हैरान हैं, कह रहे हैं कि मनीष पॉल इतनी बड़ी बच्ची के पिता हैं। रणवीर सिंह और दीपिका पादुकोण बिजनेसमैन मुकेश अंबानी और उनके परिवार के साथ गणेश विसर्जन में शामिल हुए। दोनों ने अंबानी परिवार के साथ गेंदे के फूलों से सजे ट्रक में यात्रा की, दोनों का वीडियो वायरल है। और राजधानी दिल्ली के एम्स में भर्ती कॉमेडियन राजू श्रीवास्तव का हेल्थ अपडेट आया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक राजू श्रीवास्तव की हालत में हल्का सुधार हुआ है, हालांकि वह अब भी वेंटिलेटर पर हैं और ऑब्जर्वेशन में हैं।